हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल राहुल जोन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जैसा कि आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको यहां पर कंप्यूटर जैसा जो कर्सर दिख रहा है, पीसी जैसे आपको यहां पर कर्सर दिख रहा होगा मेरे मोबाइल की स्क्रीन में, तो आप ये मोबाइल की स्क्रीन पर कैसे ला सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप भी यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं और आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, तो ये कर्सर आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। जैसे कि आप कुछ चीज़ बताते हैं तो आपको एग्जैक्ट ये कर्सर आप जहाँ पे रखेंगे तो आप उस चीज़ को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप ये अपने मोबाइल की स्क्रीन में कैसे ला सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप प्ले स्टोर ओपन करते हैं, आपको यहाँ सर्च बार में लिख देना है विजिबल माउस। जैसे ही आप विजिबल माउस क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो इसका नाम है ऑलवेज़ विजिबल माउस। तो आपको इस तरीके से इसका आइकन देख लेना है और इसका लिंक जो है मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, उस पर क्लिक करके सीधा आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। मेरे मोबाइल में ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो इस तरीके से इसको आपको डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लेना है। अब आपको यहाँ पे जो सेटिंग्स है, सेटिंग्स क्या क्या ओपन करनी है आपको ये देख लेना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ ऑलवेज़ विजिबल माउस। तो आपको यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला जो बटन बना हुआ है, इस पर इस तरीके से क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे, नेक्स्ट जो आपके सामने सेटिंग्स ओपन होती है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स। तो आपको यहाँ पे इसको जो है अलाउ परमिशंस पे इस तरीके से क्लिक कर देना है और आपको बैक आ जाना है। आपको इस तरीके से इस पर क्लिक करने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलवेज विजुअल माउस जो है यहाँ पे ये ग्रीन हो चुका है। देन इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ आना है। अभी आप देख सकते हैं आपके यहाँ पे जो स्क्रीन पे आपको दो ऑप्शंस होते हैं, आपका एक एरो और एक माउस। तो आपको सिर्फ एरो लाना है। तो आपको यहाँ पे इस तरीके जो है एडवांस फीचर्स के ओपन ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे, अब आप देख सकते हैं अभी आपके स्क्रीन पर जो है एरो भी दिख रहा है और आपको जो है माउस भी दिख रहा है। तो आप एरो बस लाना चाहते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है वन बटन। तो आपको इस तरीके से इस पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, अब आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे ये जो है सिंगल कर्सर जो है एरो का निशान आ जाएगा। अभी जो है माउस का निशान हट चुका है, तो आपको वन बटन पे क्लिक करके ये एरो आ जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे आपको और भी सेटिंग्स देखने को मिल जाती है। इस तरीके से आप देखेंगे आपको यहाँ और भी सेटिंग्स देखने को मिल जाती है। तो आप जो है इस तरीके से अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, अभी मैं बैक करके भी आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए आप इस तरीके से अभी मेरी मोबाइल की स्क्रीन पे ये जो एरो चल रहा है, तो आप इस तरीके से ये जो कर्सर अपने स्क्रीन पे ले आ सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।